दियारा में दोहरे हत्याकांड का हुआ खुलासा। मुख्य सरगना विदेशी राय को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। भोजपुर के दियारा का आतंक और डबल मर्डर हत्याकांड का मुख्य सरगना विदेशी राय को बिहार एसटीएफ की टीम और भोजपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर विदेशी राय को गिरफ्तार किया। विदेशी राय और अमरीश राय भोजपुर जिले के दियारा का कुख्यात माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी से कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद भी है। 22 जनवरी 2022 को वर्चस्व की लड़ाई में दो लोगों की जान जिले के कोइलवर बालूघाट पर गई थी। विवाद बालू के अवैध खनन को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी। इस घटना के दौरान विदेशी राय और उनके गैंग ने लगातार फायरिंग कर पूरे इलाके को थर्रा दिया था। इस घटना के दौरान लगभग 100 राउंड फायरिंग की बात सामने आई थी। वहीं घटना के बाद बालू के खूनी खेल का वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई थी। प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। विदेशी राय को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती हो गई थी। संगीन आरोप पर है कोइलवर थाना क्षेत्र में अवैध माइनिंग को लेकर के और कई घटनाएं हुई, कई हत्या की घटनाएं जिसमें हुई हैं पिछले एक साल में, उन्हीं को लेकर के हम लोग लगातार कार्य कर रहे थे। डीआईयू की टीम इसमें छापेमारी कर रही थी। हम लोगों के पास जानकारी थी कि इसमें एक गैंग करके कार्य करता है, जिसमें विदेशी राय गैंग, जिसके कुख्यात विदेशी राय हैं, जो अपने कुछ साथियों के साथ एक ग्रोह चलाते हैं, अवैध माइनिंग का भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा कुछ घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। ये काफ़ी समय से फरार थे और हम लोग लगातार इनको पकड़ने के लिए लगे हुए थे। मुख्यालय स्तर से भी हम लोगों ने कुछ मदद इसमें मांगी थी, तो हम लोगों को टेक्निकल मदद भी मिल रही थी। उसी क्रम में कल इनको झारखंड जिले के रामगढ़ जिले से हमारी टीम ने और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। अपराधी पर कई संगीन आरोप हैं। इनके पास हम लोगों के रिकॉर्ड में जो अभी तक पता चला है 18 केस दर्ज हैं, जिसमें से कई हत्या के और बालू चोरी के और तरह तरह के संगीन रंगदारी वगैरह के भी मामले इन पर दर्ज हैं। क्या लगता है सर, इनकी गिरफ्तारी के बाद से बालू अवैध बालू खनन रुक जाएगा भोजपुर जिले में? क्योंकि अभी तो वैध का कुछ ठेका हो रखा है और अवैध के खिलाफ लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, और वैध माइनिंग भी जहाँ पर करते हैं संचालक, उनकी भी जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनका वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के भी एसडीओ और डीएसपी लगातार वहाँ छापेमारी करते रहते हैं। हम लोग भी टीम बनाए हुए हैं, लगातार थाना स्तर से भी इसमें छापेमारी होती है, और इस तरह का कोई घटना अगर होती है तो उसमें त्वरित हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो पिछले 1.5 महीने पहले जो घटना हुई थी, उसमें करीब करीब सारे अपराधियों को हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी कर दी गई है, और जो मुख्य कुख्यात अपराधी है विदेशी राय, वो गिरफ्तार हो गया है। इस गिरफ्तारी से सर कितना प्रभाव पड़ेगा बालू माफियाओं के ऊपर सर? कुछ डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हम लोगों की, चूँकि इस गैंग का जो हम लोगों के सूत्रों से पता चला था, इसका दबदबा उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा था और गोली चलाने को लेकर के ये लोग काफ़ी एग्रेसिव थे। इनकी गिरफ्तारी से वहाँ होने वाली घटनाओं में अंकुश लगना चाहिए। अभी भी कई ऐसे नाम हैं सर बालू माफियाओं के, जो कि अभी भी पकड़े नहीं जा सके। जो नहीं पकड़े जा सके उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और शीघ्र ही गिरफ्तार की।